अगर आप हिंदू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और देशी भक्ति के और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो उसकी नींव में आपको ये एक चीज जरूर डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस घर से संबंधित हर प्रकार का दोष दूर होगा। हर इंसान की चाहत होती है कि उसका एक छोटा सा घर हो, चाहे वो छोटा सा हो लेकिन अपना हो, जहाँ वो अपने परिवार के साथ खुशी से रह सके। हिंदू धर्म में घर बनवाने से पहले भूमि पूजा की परंपरा है। नए घर का भूमि पूजन करते समय नींव में कुछ चीजें डाली जाती हैं, जिसमें चांदी के नाग नागिन को जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर का निर्माण बिना किसी रुकावट के हो जाता है और उस भूमि पर यदि कोई दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में शेष नाग के फन पर पृथ्वी टिकी होने का उल्लेख भी मिलता है। परम देव ने विश्व रूप अनंत नामक देव स्वरूप शेषनाग को पैदा किया, जो पहाड़ों सहित सारी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। ग्रंथों के अनुसार हजारों फनों वाले शेषनाग सभी नागों के राजा हैं। भगवान की शैया बनकर सुख पहुंचाने वाले उनके अनन्य भक्त हैं। बहुत बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीला के भी साथ होते हैं। श्रीमद् भगवत के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं नागों में शेषनाग हूँ। भूमि पूजन का पूरा कर्म कांड इस मनोवैज्ञानिक विश्वास पर आधारित है। जैसे शेषनाग अपने फन पर पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, उसी तरह मेरे घर इस नींव की मेरे घर की नींव भी प्रतिष्ठित किए हुए चांदी के नाग फन पर पूरी मजबूती के साथ स्थापित रहे। शेषनाग क्षीर सागर में रहते हैं, इसलिए पूजन के कलश में दूध दही घी डालकर मंत्रों से आह्वान कर शेषनाग को बुलाया जाता है, ताकि वे घर की रक्षा कर सकें। ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।